क्या? अभी रुको। क्यों भाई? पापा नहीं आए ना? वो जज्जी अंकल को जगाने गए हैं। यार ये जज्जी अंकल हमें देखकर रो क्यों रहे थे? मतलब मुझे तो लगा जैसे हम उनसे बिछड़ कर मिले हैं। वो जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, बच्चे मेला देखने गए, बाप फेरे पर खड़ा हो गया, सौरों की आंधी चली, तूफान आया, मेला उजड़ गया, बच्चे बिछड़ गए। लेकिन मैं उनको बाप क्यों कह रहा हूं? अंकल तो बिछड़ भी जाए तो मिलकर इस तरह नहीं रोते। I have news for you. क्या? अंकल अब यहीं रहेंगे, हमारे पास। कितने दिन रहेंगे यार? हमेशा। हमेशा मतलब? मतलब जब तक हम जिंदा हैं, या फिर वो जिंदा है। Shut up. कसम से जब आप shut up बोलते हैं ना मुझे अंकल, मजा ही आ जाता है। बाप का दोस्त भी बाप ही होता है। होता है, लेकिन वो घर पर नहीं रहता। घर में तो मैं भी रहता हूँ, मेरे लिए भी यही कहती हो तुम? अरे नहीं मोजू अंकल, प्लीज यार, आप तो जान हो, एक दिन के अंकल को खुद से मिला रहे हो आप। आ जाओ। आज के बाद तुम वहां बैठा करोगे। देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है। इसकी दाढ़ी मूछ तो देख, देखता हूं मर्द का बच्चा। तुमने कहा था कि अंग्रेजी बोलती है तुम, तेज तेज फर फर। हाँ ना, बोलते हैं फर फर अंग्रेजी। तो कहो ना बोले क्या? बोलो ना बेटा, अंकल के सामने अंग्रेजी बोलो। पोयम सुनाओ इनको, अंग्रेजी की क्लास चल रही है यहाँ। कम ऑन। फिर किसी वक्त सुना था। आपको आती है अंग्रेजी? तो बस सुनने का शौक है। रामीन? नहीं नहीं, डांटो मत। मैं नहीं सुनूंगा बेटा, आप नाश्ता करो। ऐसे का देख रहे हो?
और तुम क्या देख रहे हो? नाश्ता करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत गुस्से वाली है वो, अपनी माँ जैसी। नहीं ऐसी नहीं है, सारा घुल मिल जाए तो देखना कैसे दोस्त बन जाते हैं। हाँ वो तो पता है मुझे, पर मैंने देखा है वो घोंचू भी डरता है उससे। परात? हाँ उसको तो थप्पड़ भी मार लेती है। नहीं नहीं थप्पड़ क्यों, वो तो 2 साल बड़ा है उससे। उसके सामने मत कहना प्लीज। सही मानना है कि बहन चाहे छोटी हो भाई से बड़ी होती है, थप्पड़ भी मार लेती। ये किसने बताया उसे? मैंने। पहले दिन स्कूल से जब वापस आई तो पूछने लगी मेरी मां मर गई है बॉस। मैंने कहा नहीं बेटा, जिस घर में बेटी हो वहां कभी मां नहीं मरती। सुनकर चुप हो गए। वो लेवल में गई तो एक दिन कहने लगी मुझे उस बात का मतलब समझ आ गया है बॉस, मैं आप दोनों की मां हूं ना। तब से अपने आप को मां समझती है और हम दोनों भी ऐसे हो गए हैं, अपने आप को बच्चा समझते हैं उसके साथ। इसको भी डांट लेती है और ये भी सुनता है उसकी डांट। रामीन, 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 राम, क्या है? माही फोन नहीं उठा रही। तो दोबारा कर लो, नहीं होगी फोन के पास। खास ही है यार। अरे, क्या मतलब इसका? मुझे क्या मालूम? फिर करो। काट दिया तो मतलब मत करो। तुम्हें भी यही नहीं थी क्या? मतलब? मुझे तो लगता है कि पूरी फैमिली किसकी भी है। एक गोली खाकर मुस्कुरा रहे, दूसरा सोच रहा है बिस्तर से उठते ही बाली को दबोच लूंगा, और तीसरी मंगेतर का फोन काट रही है। कोई और ढूंढो पार्टनर, ये वाली तर पाएगी बहुत। बिजी होगी यार, उसका भाई मामू दोनों हॉस्पिटल में। जब पता है तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? बेचारी परेशान होगी, दुखी होगी बहुत। भाई से प्यार भी तो बहुत करती है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम चीज क्या हो। इमोशनल हो ना? अपने आप को इमोशनल समझती हो तुम? सोचना भी मत,
इमोशनली तो नहीं हो तुम? अपनी शादी के बारे में सोचा है कभी? अरे जाओ जाओ। नहीं सच बताओ, कोई ऐसा भी नहीं लगा? बताओ ना यार, मैं दोस्त हूं तुम्हारा, मुझे बताओगी तो पापा से बात करूंगा। अबे चल। अरे भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, इट्स माय ड्यूटी। भूत की तरह सर पे पड़ी उतरो यार, जाओ यहां से। तो आने की अकल नहीं है तुम्हारे पास, मुफ्त में खसा दिखाती हो, हुकुम चलाती हो बस। आइडिया। बोलो क्या है? पापा से बोलो 15 दिन में शादी कर दे। मैं बोलूं? नहीं, मैं बात करूंगी। I have a compliment for you. I've yet to see a more intelligent girl than you. You are fantastic. फिर मुझसे कभी मेरी शादी की बात नहीं करना। ये है तुम्हारा ऑफिस। मेरा? सिर्फ ऑफिस ही नहीं, इस फैक्ट्री के आधे मालिक हो तुम। ना कर चची। चची नहीं, एक बार शाम तक ये भी बता दूंगा कि बैंक में पैसे कितने पड़े, अकाउंट्स कहां कहां पे हैं, लॉकर्स कितने हैं और उन लॉकर्स में क्या कुछ रखा। ये सब क्यों बता रहे यार? तुम्हारा घर और दुकानें बेच कर ये कारोबार शुरू किया था मैंने, थोड़ी सी मेहनत की, फल ज्यादा मिल गया। बैठ। नहीं नहीं बैठना। सिर्फ अकाउंट्स और लॉकर्स हैं मेरे नाम, कारोबार और प्रॉपर्टी रामी और फरहाद के नाम पर। डोंट टेल मी यार। घर में खड़ी तमाम गाड़ियां और जिस गाड़ी पर बैठ कर तुम आए हो वो भी तुम्हारी है। बस कर दे। बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, वो मेरे हैं भाई। जब तक मैं जिंदा हूं वो नहीं दूंगा तुम्हें। वादा कर, कसम खा, जब तक मैं जिंदा हूं तू चची बनकर रहेगा और मेरे मरने के बाद उनको बताएगा कि मैं उनका बाप नहीं हूं। सर पे उठाए हुए आरज़ूएं कहां बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या।
और नहीं बाली तेरी कुर्सी है। बैठ। क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से, आज फिरते हो दिल को नकद हार के। ये मोहब्बत भी दुश्मन की एक चाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। कैसे हो मेहर साहब? ठीक हो ना? आपको कभी कुछ नहीं होगा, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं आपके लिए। मामू कैसे? ठीक हो गया, कल परसों आ जाएंगे। तो मम्मी साहबा खड़ी। आपसे वादा है अमित साहब, अगली बार यहाँ का कमाल भी सामने आया तो रियाज नहीं करूंगा, बस एक मौका। आखिरी बार, आखिरी मौका दे रही हूँ लड़के। बाली हाथ आकर निकल गया तो मूंछ रखने की इजाजत नहीं दूंगी। इसे पास बिठाकर समझाइए मेहर साहब, तुम तीन गोलियां मारते थे, बाली चौथी पर मरता है। अपने हाथों से खाना बनाया तुम्हारे लिए, रोजादार खाना बनाए तो खुशबू बड़ा सख्त इम्तिहान लेते। किसी दिन खबर सुना मेरे लाडले, अपने हाथ से निवाला मुंह में डाल, खाने को तरस गई। बात गौर से सुनो। कुछ नहीं, तुम बात करो, मैं गौर से सुन रहा हूं। ये वाला गंदा है। बताया क्यों नहीं? तुमने मना किया था। कैसे पागल हो तुम? दर्द हो रहा था, सह रहे थे तो बता देते। सहना नहीं सीखूंगा तो दर्द होता रहेगा। हुकम का बेटा हूं यार, मर्द का बच्चा हूं। रोना नहीं। अच्छा तो फिर बताओ क्या होते हैं मर्द के बच्चे? गोली लगे तो कम लगती है उनको, चाकू मार तो खून ही निकलता, या फिर गोली चाकू ये देख के रुक जाते हैं कि सामने मर्द का बच्चा खड़ा है। अरे नहीं यार, एक खंजर ने चीर डाला था हुकम को, उसने देखा ही कि सामने मर्द का बच्चा खड़ा है। मुझे डरा रही हो? तुम्हें बता रही हूं लाडले, तुम माली को मार भी दोगे तो लाहौर की सड़कों के नाम नहीं बदल जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी, बाप का कुछ नहीं जाएगा। लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि आज जहाज क्रैश हो जाए तो कल इंजीनियर जूरी के डिवोर्स में उलझ जाते हैं। वेरी फनी।
सच कह रही हूँ कुनाल। मम्मी साहिबा 22 सालों से रोजा रख रहे हैं, तो याद करके बताओ कितने लोग आकर पूछते हैं कि आज आंसा मेहरुन्निसा ने रोजा रखा है, और जब नहीं रखेंगे तभी कौन पूछेगा आज उन्होंने नाश्ते में क्या लिया, दोपहर में क्या खाया। याद रखो कुनार, इंतकाम लेने वाले खुदा के इख्तियार से पंगा लेते, उससे पंगा मत लेना। तुम अकेले उससे लड़ोगे और नस्लों को शिकस्त हो जाएगी। तो माँ के हुक्म को टाल दूं? तो खुदा के हुक्म को टाल दोगे? खुदा माफ कर देता है माही, माँ मुझे माफ नहीं करेगी। माँ भी माफ कर देती है पुनार, प्रॉब्लम बस इतना है कि आंसा मेहरुन्निसा में अभी माँ कम और हुक्म की बीवी ज्यादा है। वो गुस्से से देखती है तो मैं जमीन में गर्क हो जाता हूँ। उस गुस्से से मैं लड़ूंगी और मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी पुनार। तुम वादा करो तुम बारिश से नहीं लड़ोगे, बदला लेने की आड़ में खुदा से जीत कर दिखाने की कोशिश नहीं करूंगी। खुदा से कौन जीत सकता है? जो बदला लेते हैं खुदा से जीतने की कोशिश करते हैं। ये तो फिर बाद में पता चलता है कि वो जो जीत कर आए थे असल में हार कर आए हैं। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। और अब मैं दाया हाथ पकड़ूं तो बता देना कि दाएं कंधे पर गोली लगी है। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे ससुराल। किसलिए? शादी की डेट फिक्स करने के लिए। दिमाग तो ठीक है, डेट तुम फिक्स करोगी। वो जो है ना आंसा मेहरुन्निसा, बात सुनते ही चाय का कप छीन लेंगी। ये तो तुम हर बात पर हंस देती हो, पता नहीं ये कहाँ से सीखा है तुमने। अरे लल्लू बताओ, आंसा मेहरुन्निसा लड़की की क्या लगती है? माँ है उसकी और क्या। और मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? बहन हो यार। बहन नहीं तुझे, माँ हूँ तुम्हारी, समझे? और बहन अगर माँ का रोल करे तो माँ से ज्यादा परफॉर्म करती है। लल्लू परफॉर्म करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, तुम थोड़ा पड़े हो, तुमसे देखा नहीं गया। स्टॉप इट। स्टॉप इट व्हाट? देखो तो सही। हाँ ओके, मैं बिल्कुल नहीं तड़प रहा। अरे जाओ, तड़प रहे हो लल्लू और अब तो डर भी रहे हो। आई नो यू जोक। नो आई एम नॉट जोकिंग। मेरा बस चले तो मैं आपसे कहूं, बाली को माफ करके हुक्म के बच्चों का सत्ता उठा देते। अगर मारना ही है तो अपने अपने अंदर के गुस्से को मार देते। मेरी बड़ी हसरत है कि कभी आपने रोजा ना रखा हो और मैं आपके साथ बैठकर एक कप चाय पीऊं। आएगा बुद्धि, हसरत पूरी हो जाएगी भाई साहब। आप बता रहे थे ऑफिस पहुंचे तो रामीन का फोन आ गया। जी, वो फोन उठाते ही उसने मुझे डांट दिया। रामीन ने? जी, डांट लेती है मुझे, और ये भी कहा कि अभी के अभी आंसा मेहरुन्निसा से मिलिए और दोनों के ब्याह की तारीख रख दीजिए, और ये भी कहा कि मुझसे पहले ना पहुंचे तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं अभी तक पहुंची क्यों नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात की है। मेहर साहब आ जाएं तो बैठ जाइए उनके साथ, तारीख जो कहेंगे मान ली जाएगी। कहाँ गया हूँ? हुक्म की कब्र पर। आज तो माही भी गई है साथ। हमारे यहाँ होता है ना, बाली की कोई खबर आए या वो बचकर निकल जाए तो हुक्म को बताते हैं जाकर, याद दिलाते हैं हुक्म को कि हम भूले नहीं।
सुना है हुकुम को बाली की मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। हाँ। और वो नफरत करती थी हुकुम से? करती होगी। हुकुम उसकी शादी के दिन उसके घर चले गए थे ना? हुकुम उन दिनों साई लोगों को हो गया था। स्वाभास नहीं थे उसके, मौज में आया तो चला गया उसके घर। मौज में आए तो हुकुम किसी और के घर क्यों नहीं गए? पूछते करने आई है बाप की कब्र पे। तूने तो कहा था कि हुकुम की याद आ रही। याद आ रही है तो इनकी बातें कर रही हूँ ना। मेरी शादी पर कोई सही नोट बनकर हमारे घर आ गया तो गुनाह क्या करेगा? या फिर फरहाद को पता चला तो वो क्या करेगा? अब समझ में आया पुत्री, तेरी माँ को तेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों? उसे पता चल गया होगा कि घर में बाली का वकील पैदा हो गया। चल फातिहा पढ़, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। एक मिनट दादाजी। हुकुम की कब्र पे खड़े होकर आप कसम खाकर गए। बुनार ने बाली को मार दिया, बुनार को फांसी हो गई तो सह जाएंगे आप? हवेली को मरने वालों की तस्वीरें लगा के सजाएंगे? पुनार तैयार होकर घर से निकले, घर वापस आए तो मुड़ मुड़ कर देखते हैं आप, देखते हो या उसका आखिरी दीदार करते हो? ना कर माही, ना कर। बाली जिंदा हो एक्सेप्ट नहीं है मुझे। और पुनार को देखता हूं तो यकीन दिलाता हूं अपने आप को कि मेरा हुक्म मरा नहीं जिंदा है। यही तो मैं कहती हूं दादाजी, हुक्म मरे नहीं हैं, पुनार में जिंदा रहते हैं। उसको देखती हूं ना, उसकी कसम अपने बाप को देखती हूं, इसलिए हाथ जोड़ कर कहती हूँ दादाजी, अब की बार मेरे बाप को जिंदा रहने दीजिए। वो बदले की आग में जलकर मर जाएगा, मर जाएगा। ओए ब्रारिया, बीबी को गड्डी तक कुछ आए। जा पुत्री, आ रहा हूं तेरे मगर। बाली इस जमीन पर फिरे वो एक्सेप्ट नहीं है मुझे। मेरा हुक्म कब्र में हो और वो इस धरती पे, नहीं हो सकता। क्यों है हुक्मिया, नहीं है ना? रब, अरे हाथ तो छोड़ो, ससुराल आया हूं, कोई बच्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम वेलकम। हाय, क्या वेलकम बोलती हो? माय गॉड, हुक्म की कब्र पर गई हैं। और मेरे पापा? पापा मेहर बीबी के साथ हवेली देख रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगती हैं।
नाम रामी है। ये हवेली हुकुम ने बच्चों के पैदा होने से 2 महीने पहले खरीदी थी। मुझे फोटो दिखाई, कीमत बताई और फिर कहा कि यहाँ जोरा रहेगी मेरे साथ। जोरा तो पता नहीं कहाँ रही। 22 सालों से मैं रह रही हूँ। ये जिस पर ताला पड़ा है ये हुकुम का कमरा है। हुकुम की बातें सुनकर मैं तड़प गई, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने इश्क किया है हुकुम। इश्क खुदा की तरह ताकतवर होता है, वो देख लेगा आपकी जोरा को। हुकुम आपसे मोहब्बत नहीं करते थे? करते थे या नहीं ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। इश्क ये नहीं सोचता भाई साहब कि माशूक क्या सोचता है, वरना तो हुकुम ऐसे थे साल में एक बार किसी खूबसूरत को दिल दे आते थे और जिसे लेकर आते थे उसे मैं वापस ले आती थी। ये तो जोरा थी मुई जो उनके दिल में टिक गई और फिर उनकी जान लेकर गई। माही भी तुम्हारी तरह चाहती है कि मैं बाली को माफ कर दूं, इसीलिए शादी कर रही हूँ उससे। वो क्या है कि ये बात मुझसे सुनी भी नहीं चाहती। लो आ गई माही। माही देखो कौन आया। अरे आप अंकल, आप कब आए? ये ना पूछो कि कब आए थे, ये पूछो कि क्यों आए थे। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ तुम्हें। आइए भाई साहब। आ जाओ भैया। वाह वाह। किसे बुलाया? मेहर बीबी। मेहर बीबी मतलब माही की अम्मी साहिबा जी। बढ़िया यार, अच्छा खाना बना देती हैं। बिरयानी दो। ओए हाय, आ गई पोपट। क्यों आए हो तुम लोग? वही झप्पी तो डाल, अभी बताऊंगी हवा में उड़ती फिरेगी। खाना रखो और चलो मेरे साथ, माही भूख लग रही है। अभी खिलाती हूँ तुम्हें, निकलो यहाँ से। यहाँ बैठो और आप बताओ क्यों आए हो तुम लोग? तुम्हारी शादी के दिन तय करने, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? मूड स्विंग्स क्यों दिखा रही हो? अरे यार कोई मूड स्विंग्स नहीं दिखा रही हो, शादी को डाल रहे हो। क्यों? मंगनी हो गई ना, वो दिल से की है मैंने। शादी भी दिल से करूंगी लेकिन अभी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे कहने करने से होता है? आंसर मैनुसा की बेटी हो तुम, अभी डेट रखेंगी और तुम्हारे रातों पर दे मारेंगी, फिर क्या करोगी तुम? और ये जो हमारे घर में मटका बच्चा है ना, वो मटका बच्चा रहा नहीं। तुम फोन काटती हो तो फ्राई एंडी के अंदर आता है। उसको बोलो थम के रहे, अभी शादी का वक्त नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब लोग शादियां कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? है ना प्रॉब्लम, जब तक अम्मी साहिबा रोजा रखना बंद नहीं करेंगे मैं शादी नहीं करूंगी। ना कर माही, वो तो 22 सालों से रोजा रख रही है, पता नहीं कितने साल रखेंगी। नहीं रखेंगे एक दिन रोजा, बेटी चुप साध कर सामने बैठी रहेगी, शादी नहीं करेगी, उनके थप्पड़ खाकर तड़पती रहेगी, तो एक दिन उनके अंदर की माँ उनके अंदर की बीवी को फतह कर लेगी रामी, उस दिन वो रोजा नहीं रखेगी। बहुत डिफिकल्ट बातें कर रही हो। याद रखना रामी, मैं इस घर में रहूंगी
तो मेरा भाई जिंदा रहेगा, वरना वो मार डालेगा वाले को, उसे मारना पड़ेगा। अब बात यही खत्म नहीं होगी, फिर कोई आएगा जो मेरे भाई से बाल की मौत का बताएगा। अरे कोई ना भी आया तो कानून कहाँ छोड़ेगा मेरे भाई को? तो फिर मेरे भाई का क्या होगा? तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ मैं, उसको बोलो प्यार का फीलिंग। दिस इज क्वाइट लॉजिकल। गॉड, देखो अब ना टकराना मुझसे, मैं उस टक्कर से गिर के संभल चुकी हूँ। ये क्या हो रहा है? कुछ कहना है तुमसे। कहो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो करते रहो ना, किसी ने रोका है? Keep it up, प्यार करना तो अच्छा होता है। लेकिन मुझे कभी फोन ना करना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मुनीर कल हॉस्पिटल से आ जाएगा, ठीक होने में लग जाएंगे 6-7 दिन, उसके बाद कोई तारीख भी रख लेंगे। एक मिनट, अभी कोई तारीख तो नहीं रखी ना आपने? नहीं बेटा, अभी तो कोई तारीख नहीं रखी। तो अभी रहने दीजिए, अभी ये शादी नहीं हो सकती। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है।